नमस्कार दोस्तों, हम वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट कर चुके थे और उसके अंदर जो आपके डिफरेंशियल ऑपरेटर है, अवकल संकारक, उनके बारे में हम बात कर रहे थे। हमने ग्रेडियंट के बारे में बात की, हमने डाइवर्जेंस के बारे में बात की, कर्ल के बारे में बात की। तीनों के बारे में हमने बताया कि क्या हो, ग्रेडियंट होता है, एक अदिश फलन है, तो उसके साथ अगर आप अवकल संकारक की सीधे गुणा कराते हैं तो वो ग्रेडियंट निकलेगा। लेकिन आप एक कोई सदिश फलन है और जो सदिश अवकल संकारक है उनका डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो वो डाइवर्जेंस हो जाएगा, और अगर आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो वो कर्ल होगा। और उसके अंदर हम सबसे पहला ग्रेडियंट हमने स्टार्ट किया था, भी ग्रेडियंट क्या होता है उसके बारे में हम बात भी कर रहे थे। आज हम आगे और बढ़ते हैं इसके अंदर, ग्रेडियंट के बारे में एक दिक अवकलज नाम से आता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स नाम करके एक टॉपिक आता है कि कैसे आप दिक अवकलज ज्ञात करेंगे, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। और अभी मैं एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने बताया, अभी सेकंड ग्रेड मैथ की टेस्ट सीरीज अपनी शुरू हो चुकी है, जिसके अंदर आपको 26 टेस्ट दिए जाएंगे टॉपिक वाइज, फुल सिलेबस और दो दो तीन तीन टॉपिक मिलाकर भी, तो यानी इस हिसाब से आपकी दो तीन बार तैयारी आराम से हो जाएगी, दो तीन बार सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। रोजाना लगभग संडे को, एवरी संडे आपका टेस्ट होने वाला है। प्रारंभ में 4 अगस्त से आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। 8:30 बजे डेली आपका पेपर होने वाला है, डेली मतलब संडे को। और पेपर की पीडीएफ मिलेगी, बिल्कुल आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। प्राइस कितनी है? सिर्फ 361 रुपये। और ऐप का लिंक कहाँ है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो अभी जाकर आप ज्वाइन कीजिए। इतनी कम प्राइस में इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। और कोर्स आपने नहीं लिया तो कोर्स भी ले लीजिए सिर्फ 399 रुपये के अंदर, और नोट्स नहीं लिए तो नोट्स और प्रैक्टिस सेट भी आप ले लीजिए सिर्फ 351 रुपये के अंदर। और ये प्रैक्टिस सेट और नोट्स कहाँ प्रोवाइड होंगे आपको? प्रैक्टिस सेट और नोट्स जो कॉन्टैक्ट नंबर है टीम के, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहां से आप जाकर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं दिक अवकलज, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स। दिक अवकलज, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स बहुत आसान है, कुछ नहीं। दिक अवकलज बहुत आसान है। हमने बात की भी, हम अवकलज की बात कर रहे हैं, तो कोई फंक्शन आपके पास फाई है तो डी फाई अपॉन डी एस आप निकालते हैं, तो ये कैसे? मैथमेटिकली देखिए, इसका डेल एस टेंस टू जीरो, और ये क्या आ जाएगा फिर? डेल फाई अपॉन डेल एस। देखिए, कोई मान लीजिए एपी लंबाई का आपके पास चाप है, ठीक है, ये एपी लंबाई का आपके पास चाप हो गया, और ये क्यू पॉइंट है, ये दूरी आपकी एस है और ये डेल एस दूरी है। अब आप क्यू से पी तक यहां पर लाएं, क्यू को पी बिंदु तक लाएं, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? डेल एस टेंस टू जीरो, क्या यानी डेल एस तो फिर जीरो हो जाएगा, क्यू को पी पॉइंट पर ला रहे हैं तो डेल एस क्या हो गया? टेंस टू जीरो। और यही आपका क्या हो जाता है? दिक अवकलज की परिभाषा हो जाएगी। सीधे सीधे आप कहें क्या कि डेल एफ बराबर डेल एफ एक्स आई कैप प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड के कैप। अगर हम इसकी बात करें केवल इतने की, तो ये हो गया आपका एक्स की दिशा में, एक्स की दिशा में दिक अवकलज, एक्स की दिशा में दिक अवकलज, यानी एक स्पेशल दिशा के अंदर अवकलज होगा वो एक दिक अवकलज होगा। ये कुछ भी कह सकता है आपसे, वाई की दिशा में दिक अवकलज पूछे तो वाई की दिशा में ये आपका हो गया, वाई की दिशा में ये आपका जेड की दिशा में दिक अवकलज। और ये स्पेशल भी पूछेगा आपसे, भी कोई सदिश आपको दे देगा, ये तो आपका एक्स एक्स की दिशा में, वाई एक्स की दिशा में, जेड एक्स की दिशा में हो गया, ये आपको स्पेशल भी पूछेगा। स्पेशल कोई भी सदिश दे सकता है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप की दिशा में इसका दिक अवकलज ज्ञात करो, तो ये पूछेगा, तो पूछेगा तो आपको बताना भी पड़ेगा। और ये दिक अवकलज वैसे ही है कि कोई घटक ज्ञात करना, जैसे आपने वेग का किसी अन्य सदिश की दिशा में घटक निकाला, कैसे? वी वेक्टर डॉट क्या किया, फिर आपने यू कैप यानी उसके सदिश का, उसमें उसके परिमाण का आपने भाग दिया और उसका डॉट प्रोडक्ट आया तो उसकी दिशा में घटक हो गया, वही दिक अवकलज है। अगर आपको किसी सदिश की दिशा में पूछे तो उसके इकाई सदिश का आप डॉट प्रोडक्ट करा दो, यानी सीधे बात बताऊं तो दिक अवकलज, ये मेन चीज जो याद आपको रखनी है दिक अवकलज के बारे में वो ये है, डेल फाई डॉट ए कैप, ये क्या है आपका? दिक अवकलज है। ये क्या है? दिक अवकलज। इसकी थ्योरम भी आती है, एक थ्योरम भी है इसकी, डेल फाई डॉट ए कैप। यही क्या है? सिर्फ जो आपने ग्रेडियंट निकाला,
ग्रेडियंट निकाल लिया और उसमें ए कैप यानी जिस दिशा में आपको निकालना है, जिस दिशा का आपको दी कैलकुलस ज्ञात करना है उसके इकाई सदिश की डॉट प्रोडक्ट आप करा दो तो वो क्या आ जाएगा आपका दिक अवकलज आ जाएगा। नोट करो इसको। फिर हम करते हैं एक थ्योरम इसी से रिलेटेड, कैसे नोट डाउन कीजिए। सिंपल सा है, दिक अवकलज इससे कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ समझाने की प्रोसेस थी, लेना देना इससे है आपको। और क्वेश्चन कराऊंगा तो आराम से आपको चीजें समझ में भी आ जाएंगी, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं आगे। थ्योरम देखिए, सम थ्योरम्स रिलेटेड टू डायरेक्शन, इस दिक अवकलज से रिलेटेड कुछ थ्योरम है। एक मिनट भाई, थोड़ी वो सामने वाली विंडो ओपन है। अब ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं सम थ्योरम्स किससे रिलेटेड, डायरेक्शनल डेरिवेटिव से रिलेटेड कुछ प्रमेय हैं आपकी, उनके बारे में हम बात करेंगे। सम इंपॉर्टेंट सम थ्योरम रिलेटेड टू डायरेक्शन डेरिवेटिव, तो पहली थ्योरम आपकी इस प्रकार है, थ्योरम फर्स्ट। थ्योरम पहली क्या कहती है कि एक अदिश क्षेत्र एफ का, एक अदिश क्षेत्र, कोई अदिश क्षेत्र एफ, क्योंकि ग्रेडियंट किससे निकलेगा, अदिश क्षेत्र से ही निकलेगा, क्षेत्र एफ का बिंदु P दे दिया आपको x, y, z पर इकाई सदिश a कैप की दिशा में, a कैप की जो अभी मैंने समझाया वही थ्योरम के रूप में है, a कैप की दिशा में दिक अवकलज, a कैप की दिशा में दिक अवकलज क्या, सिंपल सी बात, डेल एफ है तो ये एफ करेंगे डॉट ए कैप, इसको हम क्या कहते हैं ग्रेडियंट, ग्रेड एफ डॉट ए कैप, ये क्या हो जाएगा आपका दिक अवकलज, डेल एफ अपॉन डेल एस, बस ये थ्योरम आपकी, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्तों। दिक अवकलज सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, ग्रेडियंट दिक अवकलज अवकलज हो गया तो यानी आप अवकलज करेंगे, अवकलज का तात्पर्य ग्रेड हो गया और दिक दिशा ज्ञात करनी, दिशा कैसे इकाई सदिश की आप गुणा करा दो और डॉट प्रोडक्ट कराना है तो उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी आपकी दिक अवकलज हो जाएगी, ठीक है समझ में आ गया। अब इसके क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन से और भी बेहतरीन तरीके से आप समझ पाएंगे भाई, ठीक है क्वेश्चन करते हैं अपन, देख लो इसको क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार आपको दिया है कि बिंदु ए कोमा दो कोमा जीरो पर एफ बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का आई कैप प्लस टू जे प्लस टू के की दिशा में, कि दिशा में दिक अवकलज ज्ञात कर, ठीक है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं
ये आपको एक अदिश क्षेत्र दे दिया। अदिश क्षेत्र कैसे है, ये अदिश क्षेत्र ऐसे है क्योंकि इसमें आई जे के नहीं है। और ये बिंदु दे दिए, ये बिंदु आपको एक्स वाई जेड की जगह रखने हैं, सीधी सी बात। और ये आपको सदिश दे दिया जिसकी दिशा में आपको दी कैलकुलस ज्ञात करना है, जिसकी दिशा में दी कैलकुलस ज्ञात करना है, जिसकी दिशा में डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको ज्ञात करना है, वो सदिश दे दिया। तो सारी चीजें आपको दे रखी हैं, बस आपको पता होना चाहिए दी कैलकुलस ज्ञात कैसे किया जाता है। दी कैलकुलस कैसे ज्ञात करते हैं, अपन क्या करते हैं, ग्रेडियंट निकालते हैं, ग्रेडियंट एफ, ग्रेड एफ निकालेंगे डॉट किसके साथ, जो सदिश दिया है उसका इकाई सदिश, यानी ये एक बराबर माने तो एक कैप, और एक कैप को कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर अपॉन ए का परिमाण, यही तो हम करते हैं। तो सबसे पहला कार्य क्या करना आपको, ग्रेडियंट निकालना, ग्रेडियंट एफ आपको निकालना। तो वो कैसे निकलता है कि डेल अपॉन डेल एक्स, एफ की गुणा करानी है, एफ आपके पास ये है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आई कैप प्लस का डेल अपॉन डेल वाई एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स प्लस के, या डेल अपॉन डेल जेड एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स और के, यहां पर आपके पास आ गया। अब कार्य क्या करना, अब कार्य आपको यही करना है क्या, अब सीधा आपको अवकलन करना है, आंशिक अवकलन है ये, पार्शियल डेरिवेटिव है। इसका तात्पर्य क्या होता है, ये बार बार हम बता चुके हैं, पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब जो जिसके सापेक्ष कर रहे हैं सिर्फ वही चर होगा, बाकी सारे कॉन्स्टेंट होंगे। तो यही चीज हम यहां पर लागू करेंगे, तो डेल अपॉन डेल एक्स, तो देखिए यहां पर इसका सापेक्ष करेंगे तो यहां क्या बचेगा, वाई, क्योंकि ये एक्स का वन हो गया, वाई कॉन्स्टेंट है, वाई जेड इसका क्या हो गया, दोनों कॉन्स्टेंट जीरो, और यहां पर क्या बचेगा प्लस का जेड आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई, तो इसका वाई के सापेक्ष करेंगे तो ये क्या गया, एक्स बच गया, ये आपका वाई जेड वाई का करेंगे तो y का एक और z बच गया, z x का जीरो हो गया, z है इसका करेंगे, देखो x y का जीरो, y z में क्या बचेगा y, और z x में x बच जाएगा, ये केक है, ये ग्रेडियंट आ गया। लेकिन ग्रेड f किस बिंदु पर, इस पॉइंट पर आपको निकालना है, तो ग्रेडियंट f ये बिंदु हम रखेंगे, बिंदु क्या है आपके पास, एक कोमा दो कोमा जीरो, तो ये x की जगह एक रखना, y की जगह दो, और z की जगह जीरो आपको रखना है। तो देखिए y की जगह दो रखना है, z की जगह जीरो, तो ये दो आई हो गया, कितने आई, दो आई, एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, देखो x की जगह एक रखेंगे, z की जगह जीरो, तो ये j कैप हो गया, y प्लस एक्स, y की जगह दो रखना है, x की जगह एक रखना है, तो दो और एक तीन के कैप हो गया, साथ में ध्यान रखा करें, ठीक है, ये ग्रेडियंट आपके पास आ गया, क्या आ गया, ग्रेड अफ आपके पास आ गया है 2i प्लस j प्लस 3k कैप। अब इसके बाद आपको क्या काम करना है, इसके बाद आपको a कैप निकालना है, a कैप का मतलब a सदिश और उसमें उसके परिमाण का भाग आपको देना है। तो ये प्रोसेस कहां करेंगे अपन, ऊपर करेंगे, ये प्रोसेस अपन क्वेश्चन साफ करके करेंगे। अब देखो फिर, तो आपके पास देखिए क्या है, सदिश क्या था वो साफ ही कर दिया, रुको एक मिनट देखते, सदिश था ये रहा ए वेक्टर बराबर आपके पास है आई प्लस टू जे प्लस का टू के। अब देखो इसका परिमाण आप ज्ञात करते हैं, तो परिमाण कितना आ जाएगा बताएं शहबाज, देखो इसके गुणांकों का वर्ग करके अनरूट करना है, तो एक हो गया इसका गुणांक स्क्वायर एक हो गया, दो की स्क्वायर चार, तीन की दो की स्क्वायर भी चार, इसका अंडरूट तो चार आठ नौ, अंडरूट नौ यानी बाहर तीन आएगा, तो ए वेक्टर अपॉन ए, तो यानी क्या आ जाएगा इस बार, अब आपका दी कैलकुलस, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो दी कैलकुलस क्या आएगा, दी कैलकुलस भाई बता दो मुझे आप, तो दी कैलकुलस क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट एफ डॉट किसके साथ, ए कैप के साथ, तो ग्रेडियंट एफ की वैल्यू बताएं 2i कैप प्लस का j कैप प्लस का 3k कैप डॉट किसके साथ, डॉट है इस सदिश के साथ, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन में इसका परिमाण, क्योंकि a कैप की वैल्यू क्या होती है, a वेक्टर अपॉन a का परिमाण, तो a का परिमाण हम भाग देंगे कितना है, तीन,
आप डॉट डॉट प्रोडक्ट करवा सकते हैं, तो रिजल्ट आपके पास कुछ ऐसा आएगा। देखो यहां लिख देता हूं मैं, डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा, आई के आई के साथ दो, दो यहां आ गया, दो दो चार और तीन दुए छह, तो टोटल कितना हो गया, छह चार दस आपके पास हो गया, दस बटे तीन आपका आंसर आ गया। अब ऐसे दो तीन बार ऐसे ये क्वेश्चन निकालेंगे ना आप, ऐसे दो तीन बार क्वेश्चन इसी को देखेंगे, टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट के अंदर कभी मिल जाएगा, नोट्स के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन देखेंगे तो बार बार देखेंगे तो ये आंसर याद हो जाएगा आपको, और आंसर याद हो गया तो जैसे ही एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप देखते ही क्लिक कर देंगे उसे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन कोशिश करें याद करने की, मैं ऐसा नहीं कहता तो आप याद करने बैठ जाएं, याद ऑटोमेटिक हो जाएंगे, बस आप जब भी क्वेश्चन निकालें तो उसके आंसर को दो तीन बार देख लें, बस दो तीन बार देखेंगे, फिर आप दोबारा रिविजन करेंगे, फिर एक दो बार देखेंगे, तो ऐसे आंसर कुछ आंसर सेट हो जाते हैं दिमाग के अंदर, और ऐसे कुछ रिजल्ट आपको याद रह गए तो बहुत टाइम आपका बचेगा एग्जाम के अंदर। तो ऐसे कोशिश करनी है हमें याद करने, स्पेशली नहीं बैठना, स्पेशली बैठोगे तो याद ही नहीं होंगे, स्पेशली अगर आप आंसर याद करने बैठ गए तो याद नहीं होंगे, बस आप प्रैक्टिस करें तो उस टाइम थोड़े रिजल्ट को ध्यान से देख लें भी क्या रिजल्ट कह रहा है, बस ये रिजल्ट देख लिया आपका काम बन गया, आपको याद करना ही नहीं है, रिजल्ट को ध्यान से देखना है बस, ये ऑटोमेटिक फिर आपको याद हो जाएगा। इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, फिर उसके बाद थ्योरम हम करेंगे, आराम आराम से मैं ये चीजें आपको करवा रहा हूं क्योंकि काफी टाइम हमारे पास अभी है, तो आराम से हम पढ़ेंगे, नॉर्मल तरीके से कंफर्ट जोन में हम जाकर चीजों को तैयार करेंगे, ठीक है, आराम से रिलैक्स होकर चीजें पढ़ें, टेस्ट सीरीज आराम से ज्वाइन करें, टेस्ट सीरीज दें अच्छे से। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराता हूं, फिर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया जाएगा कि आप करेंगे वो क्वेश्चन, ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, कुछ आप भी करेंगे, नोट डाउन हो गया वो अच्छे से, कोई बात नहीं, चलिए नोट करने की जरूरत ही नहीं आपके, तो नोट्स आपको ले लेने हैं, वो टीम के जो व्हाट्सएप नंबर हैं दिए गए हैं, टीम के व्हाट्सएप नंबर वहां पर आपको संपर्क करना है। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि बिंदु, बिंदु आपको दिया है एक कोमा माइनस एक कोमा दो पर फाइव बराबर, पर फाइव बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का सदिश का सदिश i कैप प्लस 2j कैप प्लस का k कैप की दिशा में, k कैप की दिशा में दिक अवकलज ज्ञात कीजिए। दिक अवकलज याद कीजिए। एक बार फिर आपके सामने क्वेश्चन हमने पेश कर दिया, अब इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, क्वेश्चन को आराम से देखिए फिर मैं इसका सॉल्यूशन करवाता हूं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, वही काम जो अभी अभी तक हम करते आए हैं। अब तक जो चीजें हम करते आए हैं वही तो चीजें हैं, क्या करना देखिएगा, इस पॉइंट पर दे दिया, वही सबसे पहला काम दिक अवकलज ज्ञात करना है, तो दिक अवकलज क्या होता है, ग्रेडियंट एफ डॉट ए कैप, ए की जगह क्या है, देखो सदिश दे दिया आपको ए वेक्टर की जगह आई कैप प्लस का टू जे कैप प्लस का के कैप, और इसका परिमाण आप निकालें तो परिमाण कितना आ जाएगा, एक प्लस चार प्लस एक कितना हो गया पांच, और एक अंडर रूट छह आपके पास आ गया,
चार और एक पांच और एक छह, अनरूट छह आपके पास इस सदिश का परिमाण आया। कैसे आया, ये परिमाण निकालने आते होंगे ना, एक की स्क्वेयर दो की स्क्वेयर प्लस एक की स्क्वेयर, ठीक है, इनके गुणकों की स्क्वेयर होती, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना, ग्रेडियंट निकालना। ग्रेडियंट कैसे निकलता है सब जानने लगे अब तो, इसे डेल एफ के द्वारा व्यक्त करते हैं, तो फिर वही डेल अपॉन डेल एक्स। अब फंक्शन क्या है आपके पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। इतना हम अच्छे से सीख चुके हैं ये चीजें, बोलो कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, दिक्कत आगे बढ़ते हैं, दिक्कत नहीं है तो दिक्कत में ले चलते हैं आपको। देखो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना, तो बाकी y और z क्या हो जाएंगे कॉन्स्टेंट, तो x के सापेक्ष रहेंगे तो क्या होगा, थ्री एक्स स्क्वेयर और i कैप आपका रह गया आगे, ऐसा इसके साथ y के सापेक्ष क्या करना, आंशिक अवकलन करना, तो y के सापेक्ष करेंगे तो ये कॉन्स्टेंट ये कॉन्स्टेंट, इसका होगा कितना, थ्री वाई स्क्वेयर जे कैप। आगे देखिए z के सापेक्ष करना, z के सापेक्ष एक्स क्यूब ये कॉन्स्टेंट और कितना, थ्री जेड स्क्वेयर के कैप। ये आपके पास ग्रेडियंट अप आ गया, लेकिन आपको निकालना भी किस बिंदु पर है, इस पॉइंट पर, तो ये पॉइंट भी हम पुट करते हैं, तो ग्रेडियंट एफ आपको निकालना है किस बिंदु पर, एक माइनस एक कोमा दो पर, तो हम वैल्यू रखेंगे, तो यहां एक्स की जगह वन रखेंगे कितना आएगा, थ्री आई कैप, देखो एक्स की जगह वन रखेंगे तो थ्री आई आ गया, वाई की जगह रखना है माइनस वन, तो वाई की जगह माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन की स्क्वेयर प्लस हो गया थ्री जे प्लस का, सारी थ्री थ्री आ रहे हैं क्या, हाँ। आगे देखो दो रखना है जेड की जगह, तो दो की स्क्वेयर चार और चार थी बारह के कैप आपके पास आ गया, ये ग्रेडियंट आ गया, ग्रेडियंट आ गया, तो ये वैल्यू आप यहां रख दो और इसकी डॉट प्रोडक्ट करा दो, तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, दी कैलकुलस आ जाएगा। तो अभी हम निकालते हैं, देखिए ऊपर निकालते हैं थोड़ा इसको साफ करके, फिर क्वेश्चन आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास नोट्स हैं तो बहुत बेहतरीन बात है, आपको कुछ करना ही नहीं है, कौन बनाए इतने नोट्स, आपको प्रोवाइड करवा दिए पहले। तो ग्रेडियंट एफ ए कैप बराबर, देखो इसकी वैल्यू क्या है, थ्री आई कैप प्लस का थ्री जे कैप प्लस का बारह के कैप डॉट किसके साथ, ए कैप, ए का मतलब आई प्लस टू जे प्लस के और इसके परिमाण का भाग, डॉट प्रोडक्ट है, यानी सेम का सेम के साथ होता है, बाकी सारे जीरो होंगे, क्यों, डॉट प्रोडक्ट में आता है कोस, ए डॉट बी करते हैं तो ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा आता है, और सेम का सेम के साथ होगा तो आई का आई के साथ है तो कोस की थीटा की वैल्यू कितनी, जीरो होगी क्योंकि समांतर होगा, तो यहां पर कोस की जीरो की वैल्यू तो मतलब एक मान देगा, तो यानी वहां पर आपको अधिकतम मान मिलेगा, कोस अधिकतम मान कहां देता है, जीरो डिग्री पर, वहां पर उसकी वैल्यू एक आती है, तो एक आपको अधिकतम मान देगा तो सेम का सेम के साथ, लेकिन इसके उलट अगर आप आई का जे के साथ कराएं तो वो जीरो होगी, क्यों, क्योंकि आई और जे में एंगल कितना 90 डिग्री का हो गया और 90 डिग्री कोस 90 का मतलब जीरो, तो वो मान ही नहीं देगा, तो सेम वाले ही मान देते हैं, ये चीज आप अच्छे से समझ भी चुके होंगे, नहीं समझे तो समझ लेना इसको अच्छे से, ठीक है। तो तीन प्लस का इसके इसके साथ, तो तीन दुए छह और बारह के एक के साथ, तो बारह अपोन में अंडरूट छह, तो छह और तीन नौ और बारह कितने हो गए, इक्कीस अपोन में अंडरूट छह, ये क्या आ गया आपका फाइनल आंसर, फाइनल आंसर आ गया आपका, ये समझ गए। अब करते हैं आगे, क्वेश्चन नोट डाउन करो इसको, फिर आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देंगे, एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, ठीक है, वो आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन कर लेना है, कैसे निकालेंगे, इसके नोट्स भी मिल रहे हैं, नोट्स भी आपको लेने हैं, टेस्ट सीरीज और कोर्स, ये तीन ही चीजें अपनी, और नोट्स और प्रैक्टिस सेट, ये तीन चार चीजें आपको लेनी ही लेनी है सभी विद्यार्थियों को, राजस्थान जीके के भी नोट्स हैं स्पेशल सेकंड ग्रेड के लिए,
तो वो भी है सेकंड ग्रेड मैथ वालों के तो जरूरी लेने हैं वो, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग ही वो तैयार किए गए हैं। आप उनसे याद करें, टॉपिक वाइज आपको दिए गए हैं, कचरा नहीं किया गया उनके अंदर, बढ़िया कंटेंट उसके अंदर प्रोवाइड कराया गया है, न्यू क्वालिटी उसके अंदर दी गई है आपके लिए, तो वही चीजें आपको देखनी है। ठीक है, जो नंबर है व्हाट्सएप पर वहां पर आपको संपर्क करना है, टीम के नंबर नहीं है तो नोट कर सकते हैं आप, 9468-30454, 9468-30454, ये अपने टीम के नंबर है। चलिए क्वेश्चन, ये होमवर्क के रूप में भी है, एक क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा, दो तीन क्वेश्चन है इसके अंदर। बिंदु दिया है आपको 1.1 पर एफ बराबर एक्स वाई जेड के दिक अवकलज निम्न के दिक अवकलज, तो इसके जो दिक अवकलज है निम्न सदिशों की दिशा में, सदिशों की दिशाओं में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए, नंबर एक आपको आई कैप की दिशा में, दूसरा आपको जे कैप की दिशा में, तीसरा आपको आई प्लस जे प्लस के कैप की दिशा में, तो एक माई कैप की दिशा में आपको करवा देता हूं। तो सबसे पहला वही काम आपको क्या करना, सबसे पहला काम क्या करना आपको, ग्रेडियंट निकालना, और ये जो सदिश आई कैप देर का है, ये देखिए आई कैप अपॉन एक का परिमाण क्या होगा, एक, तो यही तो आपके पास पूरा इसी की डॉट प्रोडक्ट करानी है आपको, और बाकी सारे जीरो हैं, ये आगे जे जे वाले सब जीरो हैं, तो वो सिर्फ डॉट प्रोडक्ट होगी वो आई वाले के ही साथ होगी, और एक ही रिजल्ट आपको देगा, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। तो ग्रेडियंट निकालें, ग्रेड ऑफ एक्स वाई जेड, तो कैसे, डेल एफ कैसे निकलेगा, डेल अपॉन डेल एक्स एक्स वाई जेड आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई एक्स वाई जेड जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड एक्स वाई जेड के कैप। तो देखिए इसके सापेक्ष करेंगे तो एक्स के सापेक्ष बाकी सारे कॉन्स्टेंट, तो इसका एक हो गया, तो वाई जेड आई कैप बच गया, इसके बाद एक्स जेड जे कैप बच गया, और डेल अपॉन डेल जेड के कैप इसमें आपका बच गया एक्स वाई के कैप। तो ये तो आ गया ग्रेडियंट, ग्रेड अप। ठीक है, और बिंदु आप रख सकते हैं ग्रेड अप जो पॉइंट दे रखे हैं 1.1.1 पर, तो देखो सभी में 1.1 रखेंगे तो एक एक यहां पर क्या आ जाएगा, आई कैप ही तो आ जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, यही आपके पास आ जाएगा। अब दिक अवकलज निकालना है आई कैप की दिशा में, तो आई कैप प्लस, ये देखो ग्रेडियंट की डॉट प्रोडक्ट आनी है किसके साथ, आई कैप के साथ, आई कैप इकाई सदिश है, परिमाण एक होता है, सिर्फ आई का आई के साथ होगा, तो क्या आएगा, एक आंसर आपका आ जाएगा। ऐसे जे वाले में एक आंसर आ जाएगा, इसके साथ बताएं कितना आएगा, तीन आ जाएगा इसके साथ, अंडर रूट तीन, क्योंकि इसका परिमाण भी आएगा, ऊपर तीन आएगा नीचे अंडर रूट तीन आएगा, क्योंकि इसका परिमाण अब इकाई नहीं रहेगा। तो ये था अपना लेक्चर, ये दोनों आपको करने हैं प्रैक्टिस के लिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम करेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर। ठीक है, अब अपन स्पीड पकड़ेंगे, दो वक्रों के मध्य कोण भी ज्ञात करेंगे, वो भी अपने अगली ही क्लास के अंदर करेंगे। और टेस्ट सीरीज जिसने ज्वाइन नहीं की है, एक ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज, सबसे सस्ती लेकिन सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर अनेकों फीचर हमने प्रोवाइड करवाए हैं, जो आपको 3,000-3,000 रुपये 1,500-2,000 रुपये के अंदर नहीं दी जा रही, वो हम सिर्फ आपको 361 रुपये के अंदर नॉर्मल प्राइस के अंदर दे रहे हैं। तो ये टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है, साथ में अपना कोर्स चल रहा है सिर्फ 399 रुपये के अंदर, संपूर्ण कोर्स हम करवा रहे हैं जिसके अंदर आपकी सारी बुकें ही कवर हो जाएंगी, वो हमारे पर छोड़ना है कि कैसे हम कवर करवाते हैं, क्योंकि हमने स्पेशल ग्रुप आपके लिए तैयार किए हैं, उनके अंदर डेली आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। और
नोट्स भी अपने चल रहे हैं सिर्फ 351 रुपए के अंदर। प्रैक्टिस सेट भी उनके साथ है, 1500 क्वेश्चन 9 से 12 के, 350 टीचिंग मेथड्स के, और साथ ही साथ उसके अंदर 1000 प्लस बीएससी के टॉपिक वाइज क्वेश्चन, तो लगभग 2500 ये क्वेश्चन हो गए, नोट्स हो गए सिर्फ 351 रुपए के अंदर। वो अपने व्हाट्सएप पर मिलेंगे 9496183454, ये तीन के नंबर हैं, इस पर आपको संपर्क करना है। तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।